का नाम डमरू रखा। ये मकबरा 1545 में बना है। अच्छा, अभी बज रहे सुबह के 4, देख सकते हैं मैं सो के उठ चुका हूँ। हर हर महादेव, मेरा नाम अर्जुन और मैं यूपी वाई से संपूर्ण वाला साइकिल यात्रा कर रहा था। यहाँ पे 4:34 हो रहे हैं, यहाँ पे अपनी साइकिल है, यहाँ पे सारा सामान है। तो मैंने एक मंदिर में स्टे किया है, तो अभी मैं इस मंदिर से निकलने वाला हूँ। आज की यात्रा बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी मैंने, आज सुबह सुबह निकल जाएंगे, पहले मंदिर में जल चढ़ाएंगे क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार है। बनारस से जल लेकर के आया था, हरिद्वार से जो जल लाया था वो बनारस चढ़ा दिया था सारा जल, और उसके बाद बनारस से जल लाया था तो वो जल मैं चढ़ा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में एक करमनासा नदी पड़ी थी, नदी के ऊपर से जल लाया हूँ। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो जल हम लोग वहाँ से नहीं ला पाते उसी नदी की वजह से, क्योंकि उस नदी में नदी के ऊपर से जल लाने से खराब हो जाता है। तो उस नदी के ऊपर से मैं निकल के आया हूँ तो वो जल नहीं चढ़ा सकता। और बाकी आज की यात्रा में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और अभी हम शिव मंदिर में हैं और शिव मंदिर में से मैं यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी चलेंगे और बिहार में हूँ, तो आज की यात्रा में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं बिहार के लोग कैसे हैं और कैसा क्या रहने वाला है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। तब की साइकिल यहाँ पे खड़ी है, रात को मैं ऐसे ही सोया था। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अपनी साइकिल रेडी हो चुकी है और मंदिर में सभी पूजा करने आ रहे हैं, और दिन भी निकल चुका है आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया था, और अभी साइकिल रेडी है, अभी निकलेंगे बहुत जल्दी, और अभी मंदिर में पूजा करते हैं उसके बाद ही निकलेंगे। तो पहले पूजा कर लेते हैं, आज सावन का लास्ट सोमवार है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने भी तिलक लगा लिया है, तो अभी चलते हैं और पूजा करके फिर निकलते हैं, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आज की यात्रा में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अभी मंदिर में भीड़ हो रखी है, अभी मंदिर में दर्शन करेंगे फिर निकलेंगे। फाइनली अभी मैं मंदिर में चला गया, दर्शन कर लिए भोले बाबा के, और अभी मैं निकलने वाला हूँ। और यहाँ पे रहिए पंडित जी जो कि पूरी रात यहीं पे थे, तो अभी हम निकलने वाले हैं और साइकिल पूरी रेडी हो चुकी है, टाइम भी हो गया, देखो दिन निकल गया पूरा। तो यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 5:47 हो गए, मैं निकल चुका हूँ, अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ बिहार में। तो अभी चलते हैं, और आज है मंडे, सावन का लास्ट मंडे है, तो आज मजा आने वाला है। तो बस देखते रहिए, बहुत मस्त व्यू दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको। फाइनली अभी मैं सासाराम पहुंच चुका हूँ, और मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर साइकिल चला ली सुबह में शिव सागर में, और अभी मैं सासाराम पहुंच गया, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, पहुंच चुके हैं। अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको सारा कुछ। देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, आज सुबह सुबह निकला हूं तो अच्छा लग रहा है साइकिल चलाने में। अभी फाइनली मैं बिहार में हूँ और मैं सासाराम में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे एक महल है जो कि कहा जाता है बिहार का ताजमहल। तो अभी मैं आपको मकबरा दिखाने वाला हूँ, तो काफी मजा आने वाला है, बहुत मस्त लोकेशन है, तो आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट करिए। फाइनली मकबरे के सामने मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टिकट ले लिया मैंने, टिकट घर से 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, यहाँ से ले लिया। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा, काफी मजा आने वाला है। तो यहाँ पे डबरू और मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं, तो अभी अंदर एंटर करते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा कैसा क्या है, और बाकी काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। अभी आगे चलते हैं, डबरू अपने साथ में, देख सकते हैं, बाकी दिखाते हैं अंदर का कैसा क्या रहेगा, बस एंड तक देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत दिन बाद इतने पुराने किले में आया हूँ मैं, ये आगे की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देख सकते हो, तो चारों तरफ पानी ही पानी है, देख सकते हैं। तो सहरसा सूर्य के मकबरे में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ कवर बनाई गई है अंदर, वो दिखाता हूँ आपको, लगभग 24 कवर है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये अंदर का नजारा है कुछ इस प्रकार से, तो देख सकते हैं अंदर, अभी अंदर चलते हैं दिखाते हैं। अभी मैं अंदर हूँ और यहाँ पे लगभग 24 कवर बनाए गए हैं, देख सकते हैं। तो ये है कुछ इस प्रकार का अंदर का व्यू, बाकी काफी मस्त व्यू है। तो ये सासाराम में है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं बिहार में, तो बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है इसे। तो हमने अंदर के नजारे देख लिए, बाकी अभी बाहर से दिखाते हैं, बाहर से तो आपको बहुत मस्त व्यू आने वाला है, चेक करते रहिए बस। हर हर महादेव। फाइनली हमने ये पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं आज की यात्रा कहाँ पे एंड होती है, काफी मजा आने वाला है, बस एंड तक देखते रहिए। फाइनली अभी पूरा ये मकबरा एक्सप्लोर करके आ चुके, तो यहाँ पे मिलते हैं भैया जी से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये मकबरा कितना पुराना है? ये मकबरा 1545 में बना है। 1545 में बना है? हाँ जी, 1545 में बना है ये। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं सासाराम से हैं। सासाराम। तो अभी मैं सासाराम में हूँ, तो देख सकते हैं कितना पुराना किला बना हुआ है ये। तो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, बाकी अभी देखते रहिए आगे ब्लॉग में, और भी कुछ दिखाने वाला हूँ।
अभी आप लोगों को मैंने एक मकबरा दिखाया था और अभी मैं जाने वाला हूँ पायलट बाबा के आश्रम में, तो आपको काफी मजा आने वाला है, बस देखते रहिए। अभी हम चल रहे हैं तो वो देखो दिख रहा है, भोले बाबा की मूर्ति दिख रही है। तो पायलट बाबा का आश्रम है, वहाँ पे भी काफी मस्त व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। रोहतास के मुताबिक शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 13 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले में एक आकस्मिक गनपाउडर विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। हरर महादेव, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको मकबरे के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, तो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और बाकी मैं एक मंदिर में भी गया था, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसमें पूरी जानकारी भी दी है मैंने। तो मकबरा बहुत अच्छा था, और अगर आप आना चाहते हैं तो बिहार में है ये सासाराम आना पड़ेगा बिहार में, तो वहाँ पे मिलेगा। और ये बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि जो बनावट है कुछ ताजमहल जैसी थी, बहुत अच्छा खूबसूरत था। आपने देखा तो आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। कल आपको एक मंदिर के बारे में वीडियो मिलेगी, तो आप लोगों को दोनों ब्लॉग में देख के बताना है कि आपको कौन सा ब्लॉग अच्छा लगा। जो मंदिर दिखाया गया मैंने, वो मंदिर भी बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे सोमनाथ जी के दर्शन होते हैं, तो वो आपको कल देखने को मिलेंगे, और इतना मस्त है ना कि आप देखते रह जाओगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कल वाला ब्लॉग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।